खोलो खोलो खोलो, मतलब आप ये देख लो मेरा ही घर है और मुझे ही नहीं घुसने दिया जा रहा। कमाल है भाई, कमाल है आजकल के बच्चे। गुड मॉर्निंग, आई एम शिवानी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। तो आज है 5 सितंबर, टुडे इज अ टीचर्स डे। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं, वही टीचर्स है। टीचर्स का मतलब होता है कि हमें कुछ लेसन देना, कुछ सिखाना, कुछ भी चीज़ की नॉलेज देना, और लाइफ के हर स्टेप पे, हर सिचुएशन पे हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आई थिंक कई बार हम अपने बड़ों से सीखते हैं, कई बार अपने छोटे से सीखते हैं। तो फर्स्टली हमारे टीचर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स, उसके बाद हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे गुरु और हमारे फ्रेंड्स, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एंड ईच एंड एवरी वन इन आवर लाइफ इज अ टीचर फॉर आई थिंक एटलीस्ट मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी छोटे के साथ हूँ तब भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, किसी बड़े के साथ है तब भी। तो ये एक छोटा सा लाइफ का पार्ट है, तो हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैं चाहूँगी कि इस दिन पर सब अपने अपने टीचर्स को विश करें। और मैं खुद एक टीचर हूँ। आज मुझे सुबह से इतने सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, आई फील ग्लैड कि मतलब मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। बच्चे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब जहाँ से मैंने छोड़ दिया स्कूल से, उस स्कूल से बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं। एंड आई फील रियली लाइक मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। तो अभी जस्ट मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ। अभी मुझे मार्केट के 1-2 काम है, वो करने जा रही हूँ। मम्मी की मेडिसिन लेनी है, 1-2 चीज़ें और खरीदना, घर का सामान ही लेना मीन्स। तो वो लेकर आके देन उसके बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आएंगे दोपहर को। देखते हैं आज दिन में हम क्या खास करते हैं। फिलहाल मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। यार मैं तो अभी बैठी हुई थी, मतलब लेटी हुई थी, नींद सी आ रही थी। दोपहर का टाइम हो रहा है। तो ये गुनगुन मेरी स्टूडेंट है, मेरे से मिलने आई है। ये टीचर्स डे है ना, तो ये मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई है। सो थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये आई मेरे पास मेरे से मिलने। आप तो बेस्ट टीचर हो। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तारीफ आज हो रही है या हमेशा ही होती है? वरना घर जाके तो जब मैं घर पे कंप्लेंट कर देती होंगी तब तो ऐसे होता होगा, फोन कर देती है मिनट में घर पे। ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो आगे पीछे तो सभी देखो, टीचर्स अगर शिकायत लगाती है बच्चे बोल देते हैं, हम भी बोल देते थे, बट हम मीन नहीं करते उन चीज़ों को, क्योंकि हमें पता है जब एक टाइम पे आके हम सेट हो जाते हैं तो हमें पता लगता है कि टीचर्स वो होते हैं जो चाहे हमें डांट लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, बट एक्चुअल में हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, हमारे अच्छे के लिए हमें बोलते हैं। तो मैं तो नहीं समझाऊंगी। गॉड ब्लेस यू। भी आपने देखा होगा 1 महीने पहले ना एक वीडियो बनाई थी हमने, डेयर वीडियो, उसमें इसने थप्पड़ मारा था शिवम को, तब इसको पता लगा था कि यहाँ पे ट्यूशंस पढ़ते हैं। तो थोड़े दिन के बाद ही इसने मेरी ट्यूशन ज्वाइन करी है। अभी ऑलमोस्ट 1 महीना ही हुआ है इसको यहाँ आते हुए मेरे पास। तो देखो 1 महीने में बच्चों को कितनी अटैचमेंट हो जाती है, काफी अच्छा लगता है देख के। तो भाई मैं अपने घर आ गई और अंदर बच्चे ट्यूशन का दरवाजा ही नहीं खोल रहे। मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ, खोल ही नहीं रही है। खोलो भाई, खोल दो यार, 5 मिनट हो गए हैं। इरिटेट कर रहे हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। धीरज भैया क्या करेगा, खोल दो, मैं थप्पड़ मार दूंगी। अब यार क्या है, मुझे पता ही लग गया कि तुम कुछ कर रहे हो, तो खोल के मेरे सामने ही कर लो, मैं हेल्प कर दूंगी अच्छा करने में। खोलो 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 खोलो। मैं तो दरवाजे पे बैठ गई हूँ, 5-7 मिनट हो गए नॉक करते हुए, खोल नहीं रहे, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। एक बलून फूटा है, इसका मतलब पता लग गया मुझे कि बलून वगैरह लगा रहे होंगे अंदर, और इस मैम को बुला लो अंदर, मैं हेल्प कर दूंगी, पर नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे को एक्सीडेंट का टाइम था 4 बजे, तो मेरे को कुछ काम था, काम भी क्या था, मम्मी का सूट लेने जाना था टेलर के पास से। तो मैं 3:30 चली गई। जब मैं वहां से आई हूँ अभी 4 बजने में 5 मिनट हो, तो घर के अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। तो आप 4-5 हो गए हैं, ये पहले ही आ गए, इनका प्लान होगा कुछ ना कुछ, और अब अंदर मेरे को घुसने नहीं दिया जा रहा। मतलब आप ये देख लो मेरा ही घर है और मुझे ही नहीं घुसने दिया जा रहा। कमाल है भाई, कमाल है आजकल के बच्चे। फाइनली अब ये खोलने लगे, देखते हैं क्या करा इन्होंने अंदर। खोल तो दिया क्या? ओहो केक। थैंक यू। केक तो बड़ा अच्छा लगा। कौन लाया ये? किसका आइडिया था ये? सारे बच्चे मिले। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू धीरज, थैंक यू शिवम, थैंक यू रिया, थैंक यू ऋषिका, थैंक यू अभी, थैंक यू आकाशी। और जो अभी यहाँ पे आए नहीं है, कौन कौन नहीं आया तुम में से? आरव, शुभम और गगन। तो इन सबको भी थैंक यू भाई। हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा से हैप्पी टीचर्स डे में भी गाना गाया जाता है। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। ये मैंने कहा चलो मैं तो इतनी चॉकलेट्स क्या ही खाऊंगी, मैं इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। ये हमारे कैमरामैन आकाशी के लिए, ये मम्मी के लिए, एक आ गया मम्मी की रिपोर्ट हमारे लिए। तो आप फटाफट से इनको केक सर्व करती हूँ और मैं इनके लिए खाने के लिए कुछ चीजें लाई हूँ, इनको खिलाती हूँ, फिर पढ़ाई ट्यूशन। तो गाइस ये अभी इनकी जस्ट पार्टी खत्म हुई है, सबने खा पी लिया है। अब पढ़ेंगे हम? नहीं। क्यों नहीं? तो चिल्ड्रन डे थोड़ी है, टीचर डे है। कमाल कर रहा है अभी तू तो। पढ़ेंगे ना? शाबाश मेरे शेर, शाबाश। थैंक यू बच्चों। क्या क्या इसमें मैं देख लूं पहले? अनबॉक्सिंग करते हैं अपने गिफ्ट्स की। यस। तो यार मेरे लिए बहुत ही प्यारा प्रीटी सा टॉप लेकर आया। थैंक यू यार। फेंक दे आरव। नहीं जी मम्मी, आप थैंक यू बोला, थैंक यू थोड़ी बोला मम्मी। आज पूरा मजा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपकी टीचर जो है, ये मुझे ये धीरज ने दिया, ये धीरज लाया है। डॉगी दिया है, ये कुर्ती है, वो कुर्ती लग रही है जैसे ना। नहीं दीदी आप खोल के देखो, ये तो शायद बैग लग रहा है। ये मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, ये धीरज ने दिया। ये देखने में क्या लग रहा है? छोटा वाला वॉलेट होता है ना, पर्स, वो लग रहा है। लेट्स सी क्या है इसमें। हाँ मुझे लग तो वही है, वही है। मैंने कहा था ना वॉलेट लग रहा है। थैंक यू। मुझे लग रहा है पर ये कुर्ती होती तो थोड़ी हैवी होती, पता नहीं क्या है। मतलब है तो कुछ कपड़ा सही, टॉप है। टॉप है, देखो कैसा टॉप है। नाइस नाइस। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है यस आई एम ट्रेंड सेटर। वैसे भी मेरे चैनल का नाम है शिवानी ऑन फ्लीक। फ्लीक का मतलब होता है ट्रेंडी, क्लासी। और यस आई एम ट्रेंड सेटर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको थैंक यू। थर्ड ये भी लग तो टॉप साइज है, देखते हैं। है इसके ऊपर लिखा है बॉस गर्ल। अरे वाह, ये भी धीरज की चॉइस लग रहा है। धीरज ही जाके लाया शायद। हाँ धीरज जी का। हाँ धीरज की चॉइस इतनी अच्छी है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इसके ऊपर लिखा है बॉस गर्ल। बॉस गर्ल, हाँ भाई, हाँ बॉस है हम, है ना भाई। लास्ट ये मेरे को फील आ रहा है कि इसमें बैग है, स्कूल बैग। स्कूल जाती हूँ मैं, कैसा बैग होगा वो देखना होगा। हाँ भाई पढ़ पर्सी है, देखा है। हम तो आते आगे बताते हैं हमें क्या गिफ्ट मिला। कालू तो बेचारा शांत बैठा है, बोल ले भाई। ये भी धीरे ला दीदी अकेले गया बाजार, इसने बताया कुछ नहीं। हमें भी हमने बोला ना हमें लेके चल रहे। चॉइस तो अच्छी है ना, अगली सारी चीजें पसंद आ गई। चलो लड़कियों का ले आना, बस बहुत खुश है हम भी। ये बैग लाया धीरज, मतलब ये बच्चों की तरफ से। कितना सुंदर है ना ये भी। यस थैंक यू बच्चा पार्टी। तो यार ट्यूशन वाले बच्चे चले गए। आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, काफ़ी सारा मतलब एंजॉय हो गया एक ही दिन में। मज़ा आया काफ़ी बेसिकली। और एंड सारे गिफ्ट्स भी मिले, आपने देखा ही होगा। बट गिफ्ट्स के लिए नहीं, मतलब जो बच्चों की फीलिंग्स होती है ना, वो देख के मुझे सच में बहुत मज़ा आया। तो हार्ट वार्मिंग फील कर रही हूँ इस टाइम में। इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि टीचर्स के लिए बच्चे क्या फील करते हैं, वो उसके लिए हमें किसी एक दिन का वेट नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आगे पीछे भी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आगे वैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डांटते रहो, कुछ बोल देते हैं, तो उस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा जो इंटेंशंस होता है, मोटिव होता है उनके लिए, वो यही होता है कि वो लाइफ में बहुत अच्छी जगह स्टैंड करे, तरक्की करे, एक अच्छे लेवल पर जाके सेट हो। और काफ़ी बच्चे हो भी रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स। सो आई एम मतलब वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड मेरे लिए, मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। एंड फॉर माई टीचर आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर गाइडिंग मी ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। थैंक यू सो मच। स्टेशनरी का थोड़ा सामान लेने आई थी। एक्चुअली मुझे पेपर वगैरह बनाने थे, शीट्स वगैरह थी नहीं, तो मैंने कहा अब संडे ही आज रात को फ्री हूँ, ऐसे कुछ करने को था नहीं ऐसे, तो ले लेती हूँ। वो सामान धीरज को भेजा, वो लेकर आ रहा है। वो यार एक गिफ्ट रह गया था दिखाना, वो मेरे स्कूल के बच्चों ने दिया। देखो ये मग दिया, इसमें मेरी फ़ोटोज़ लगवाई है। एक मेरी सूट में फ़ोटो है, ये भी सूट में है, और ये वेस्टर्न ड्रेस में फ़ोटो है। तो ये अच्छा लगा मुझे। पता नहीं अब ये लाइट इस टाइम पे यहाँ पे येलो लाइट जल रही है तो कैसा आ रहा है, पर ये देखने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम क्लियर सा लग रहा है, बहुत अच्छी है। मैंने इसकी फ़ोटोज़ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। सो थैंक यू सो मच। ये मग बहुत सुंदर है और मुझे ये बहुत पसंद आया। इसके अलावा मुझे बहुत सारे पेन्स मिले, रेड पेन, पार्कर, तो बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पेन भी मिले हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बट गिफ्ट्स का मोल नहीं होता। आप लोग इतना याद रखते हो, इतना वो करते हो, प्यार करते हो, वो मेरे लिए चीज़ें अनमोल है। वो मेमोरीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो दिल से थैंक यू यार। तो भाई आज तो सारा दिन टीचर्स डे सेलिब्रेशन में ही चला गया और तो कुछ खास किया ही नहीं। आज शाम को थोड़ा मार्केट गए भी थे पर कुछ ऐसा था नहीं। मुझे वो यहीं घर के पास में एक दो काम थे, वो मैंने दिखाया था, जो शीट्स वगैरह नहीं वो लेकर आई। उसके बाद मैं पेपर बनाने लगी थी। अभी टाइम हो रहा है 9:35, तो आज वीडियो एडिट करने का मन नहीं कर रहा है, अभी शायद कल ही करूँ, क्योंकि आप ये व्लॉग देखोगे ट्यूसडे को, मीन 7 को देखोगे आप ये व्लॉग, और 5th को ये व्लॉग शूट हो गया, तो एडिट मैं कल ही करूँगी इसको बैठ के। तो आई थिंक इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टीचर्स डे स्पेशल व्लॉग डाल देंगे इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट मैं जब भी वीडियो लगा रहा हूँ यू गॉट द नोटिफिकेशन। चलिए कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।